हेलो एवरीवन, हमारी आज की कहानी का विषय है विक्रम और बेताल। ये कहानी विक्रम बेताल 25 की एक कहानी है। हर बार की तरह इस बार भी राजा विक्रम बेताल को अपनी पीठ पर लादकर जंगल के रास्ते से साधु के पास ले जा रहा होता है। बेताल को इस बीच एक चालाकी सूझती है। वो राजा विक्रम को जंगल का रास्ता आसानी से कट जाए इसके लिए एक कहानी सुनाता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि तुम पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलोगे। अगर तुम बोलोगे तो मैं चला जाऊंगा। तो राजा विक्रम उसकी बात मानकर चुपचाप कहानी सुनने को तैयार हो जाता है और बेताल अपनी कहानी शुरू करता है। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक कछुए की जरूरत हुई। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों भाई समुद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूं, इसलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। मझला भाई बोला, मैं नारी चंग हूं, मैं नहीं ले जाऊंगा। उसके बाद सबसे छोटा बोला, मैं शयाचंग हूँ, सो मैं भी नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग थोड़ा रुके, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया सा भोजन तैयार करवाया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास के खेत का बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की बहुत अच्छी पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मझले भाई के पास भेजा। ज्यों ही वह वहां पहुंची कि मझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बहुत खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौने को दिखवाया। 7 गत्तों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को एक एक लाख अशर्फी दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए।
वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से प्रश्न किया, हे राजा, तुम बताओ उन तीनों में से बढ़कर कौन था। राजा विक्रम ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर शयाचंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी दो के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर इस बारे में जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रम लौट कर गया और उसे फिर से पकड़ने की चेष्टा करने लगा। अब हम सुनते हैं बेताल विक्रम की अगली कहानी। जब राजा विक्रम ने बेताल को पकड़कर फिर से अपनी पीठ पर लादा और बेताल ने बड़ी ही चालाकी से रास्ता काटने के बहाने राजा विक्रम को अगली कहानी सुनानी शुरू की। चम्मापुर नाम का एक नगर था जिसमें चंपकेश्वर नाम का राजा राज करता था। उसके सुलोचना नाम की एक रानी थी और त्रिभुवन सुंदरी नाम की लड़की। राजकुमारी यथा नाम तथा गुण थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका रूप और निखर गया। राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता हुई। चारों ओर इसकी खबर फैल गई। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनवा कर भेजी, पर राजकुमारी ने किसी को भी पसंद नहीं किया। राजा ने कहा, बेटी कहो तो स्वयंवर करूं, लेकिन वह राजी नहीं हुई। आखिर राजा ने तय किया कि वह उसका विवाह उस आदमी के साथ करेगा जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में बड़ा चढ़ा होगा। एक दिन राजा के पास चारों देशों के चार वर आए। एक ने कहा, मैं एक कपड़ा बनाकर 500,000 में बेचता हूँ, 100,000 देवता को चढ़ाता हूँ, 100,000 अपने अंग लगाता हूँ, 100,000 स्त्री के लिए रखता हूँ और 100,000 से अपने खाने पीने का खर्च चलाता हूँ। इस विद्या को और कोई नहीं जानता। दूसरा बोला, मैं जल थल के पशुओं की भाषा जानता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूँ कि मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। चौथे ने कहा, मैं शब्द वेदी तीर जलाना जानता हूँ। चारों की बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वे सुंदरता में भी एक से बढ़कर थे। उसने राजकुमारी को बुलाकर उनके गुण और रूप का वर्णन किया, पर वह राजकुमारी चुप रही। इतना कहकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए। राजा विक्रम बोला, जो कपड़ा बनाकर बेचता है वह शूद्र है, जो पशुओं की भाषा जानता है वह ज्ञानी है, जो शास्त्र पढ़ा है वह ब्राह्मण है, पर जो शब्द वेदी तीर चलाना जानता है वह राजकुमारी का सजातीय है और उसके योग्य है।
राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए। राजा के इतना कहते ही बेताल गायब हो गया। राजा बेचारा वापस लौटा और फिर से उसे लेकर चला, तो उसने फिर 10वीं कहानी सुनाई। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। मदनपुर नगर में वीरवर नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में एक वैश्य था जिसका नाम हिरण्यदत्त था। उसके मदन सेना नाम की एक कन्या थी। एक दिन मदन सेना अपनी सखियों के साथ बाग में गई। वहां संयोग से सोमदत्त नामक सेठ का लड़का धर्मदत्त अपने मित्र के साथ आया हुआ था। वह मदन सेना को देखते ही उससे प्रेम करने लगा। घर लौटकर वह सारी रात उसके लिए बेचैन रहा। अगले दिन वह फिर बाग में गया। मदन सेना वहां अकेली बैठी थी। उसके पास जाकर उसने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। मदन सेना ने जवाब दिया, आज से 5वें दिन मेरी शादी होने वाली है, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। लेकिन वह बोला, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मदन सेना डर गई, बोली, अच्छी बात है, मेरा ब्याह हो जाने दो, मैं अपने पति के पास जाने से पहले तुमसे जरूर मिलूंगी। वचन देके मदन सेना डर गई। उसका विवाह हो गया और जब वह अपने पति के पास गई तो उदास होकर बोली, आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे अभय दान दें तो मैं एक बात कहूं। पति ने विश्वास दिलाया तो उसने सारी बात कह सुनाई। सुनकर पति ने सोचा कि यह बिना जाए मानेगी तो है नहीं, इसलिए रोकना बेकार है। उसने जाने की आज्ञा दे दी। मदन सेना अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनकर चली गई। रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसने उसका आंचल पकड़ लिया। मदन सेना ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे गहने लेना चाहते हो तो ले लो। चोर बोला, मैं तो तुम्हें चाहता हूं। मदन सेना ने उसे सारा हाल कहा, पहले मैं वहां हो आऊं तब तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने उसे छोड़ दिया। मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची। उसे देखकर वह बड़ा खुश हुआ और उसने पूछा, तुम अपने पति से बचकर कैसे आई हो? मदन सेना ने सारी बात सच सच कह दी। धर्मदत्त पर उसका बड़ा गहरा असर हुआ। उसने उसे छोड़ दिया। फिर वह चोर के पास आई। चोर भी सब कुछ जानकर बड़ा प्रभावित हुआ और वह उसे घर पर छोड़ गया। इस प्रकार मदन सेना सबसे बचकर अपने पति के पास वापस आ गई। पति ने सारा हाल कह सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ आनंद से रहने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा विक्रम, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, बताओ पति, धर्मदत्त और चोर, इनमें कौन सबसे ज्यादा अधिक त्यागी है?
राजा ने कहा, चोर। मदन सेना का पति तो उसे दूसरे आदमी पर रुझान होने से त्याग देता है। धर्मदत्त उसे इसलिए छोड़ता है कि उसका मन बदल गया था। फिर उसे यह डर भी रहा होगा कि कहीं उसका पति उसे राजा से कहकर दंड ना दिलवा दे। लेकिन चोर का किसी को पता नहीं था, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया, इसलिए वह उन दोनों से अधिक त्यागी था। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका, और राजा जब उसे लेकर चला तो उसने यह कथा फिर से सुनाई। एक बार फिर राजा विक्रम ने बेताल को पकड़ लिया और अपने कंधे पर लाद कर जब वह फिर से घने जंगलों में निकलने लगा तो राजा विक्रम को बेताल ने अगली कहानी सुनाई। गौड़ देश में वर्धमान नाम का एक नगर था, जिसमें गुणशेखर नाम का राजा राज करता था। उसके अभयचंद्र नाम का दीवान था। उस दीवान के समझाने से राजा ने अपने राज्य में शिव और विष्णु की पूजा, गोदान, भूदान, पिंडदान आदि सब बंद कर दिए। नगर में डोंडी पिटवा दी कि जो कोई ये काम करेगा उसका सब कुछ छीनकर उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है और उसके प्राण लेता है तो पाप से उसका जन्म मरण नहीं छूटता, वह बार बार जन्म लेता और मरता है। इससे मनुष्य का जन्म पाकर धर्म बढ़ाना चाहिए। आदमी को हाथी से लेकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग दूसरों के दुख को नहीं समझते और उन्हें सताते हैं, उनकी इस पृथ्वी पर उम्र घटती जाती है और वे लूले, लंगड़े, काने, बौने होकर जन्म लेते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, अब दीवान जैसे कहता राजा वैसे ही करता। दैव योग से एक दिन राजा मर गया। उसकी जगह उसका बेटा धर्मराज गद्दी पर बैठा। एक दिन उसने किसी बात पर नाराज होकर दीवान को नगर से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिन के बाद एक बार वसंत ऋतु में वह इंदुलेखा, तारावली और मृंगानवती, इन तीनों रानियों को लेकर बाग में गया। वहां जब उसने इंदुलेखा के बाल पकड़े तो उसके कान में लगा हुआ कमल उसकी जांघ पर गिर गया। कमल के गिरते ही उसकी जांघ में घाव हो गया और वह बेहोश हो गई। बहुत इलाज हुआ तब वह ठीक हुई। इसके बाद एक दिन की बात है कि तारावली ऊपर खुले में सो रही थी। चांद निकला। जैसे ही उसकी चांदनी तारावली के शरीर पर पड़ी, फफोले हो गए। कई दिनों के इलाज के बाद उसे आराम हुआ। इसके कुछ दिन के बाद एक दिन किसी के घर में मूसलों से धान कुटने की आवाज आई। सुनते ही मृगानकवती के हाथों में छाले पड़ गए। इलाज हुआ तब जाकर ठीक हुई।
इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने पूछा राजा विक्रम से, महाराज बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा कोमल कौन थी। राजा ने कहा मृगानकवती, क्योंकि पहली दो के घाव और छाले कमल और चांदनी के छूने से हुए थे। तीसरी रानी ने मूसल को छुआ भी नहीं और छाले पड़ गए, वही सबसे अधिक सुकुमार हुई। राजा के इतना कहते ही बेताल 9-2-11 हो गया। राजा बेचारा फिर मसान में गया और जब वह उसे लेकर चला तो राजा विक्रम को बेताल ने एक और कहानी सुनाई। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।